भी मेरे को लाइक स्टिल लग रहा है कि वो टीम अभी भी अपने अंदर कुछ कैपेबिलिटी लाइक बचा के रखा हुआ है, जो गोल्डन कार्ड जो उनके पास है वो डेफिनेटली बचा के रखा होगा, क्योंकि आप आजी आपने नोटिस करा हो राजी कि जब प्लेन्स हुए थे तो स्टार्टिंग के 3 मैचेस में वो टीम इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करी थी, लेकिन जैसे ही दूसरा हाफ स्टार्ट हुआ, जैसे कि आज यहाँ पर दूसरा हाफ स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। सो अभी भी मेरे को उम्मीद है कि एचक्यू स्टिल यहाँ पर अपना कमबैक हम लोगों को दिखा सकती है। साइलेंस आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एजी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिनिक्स फोर की तो हम क्या ही बात करें, अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं। और स्टिल यहाँ पर अगर आप आज नोटिस करेंगे तो गीक फैन एंड जो हमारी एलजीडीपी थी, जो एक और टीम है, वो एक दूसरे के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रही है केप टाउन में, तो प्रॉब्ली नहीं उतरती, वहाँ पर फाइट हम लोगों को जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिनिक्स फोर बैक टू बैक अपने आप को मेंटेन करके चलते हुए केप टाउन पे फिलहाल ये लोग उतरे हैं, फैक्ट्री पे ब्लू जोन है, सो कहीं ना कहीं देखते हैं कि वहां पर कौन सी टीम उतरने वाली है। लेकिन जैसे कि हमने बोला था गीक एंड जो एलजीडी हमारी जो टीम है वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है, फाइट यहां पर स्टार्ट हो चुकी है, यहां पे डैमेज की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना नहीं, दोनों ने अपनी क्रोनो की एबिलिटी ऑन करी वापस से पीछे की तरफ जाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे युवा है वो यहां पर डैमेज जरूर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने बहुत ज्यादा डैमेज उनको प्रोवाइड कर दिया, बट कहीं ना कहीं यहां पर गेम चेंज होगा, गीक एक प्लेयर यहां पर उनको नॉक करेंगे, कंफर्म करेंगे, इसी के साथ एक और प्लेयर जो हमारे एलजीडीएस के जो मेंबर यहां पर नॉक होते हुए दिखाई देंगे, एंड आई थिंक सो इनको भी यहां पर कंफर्म कर दिया जाएगा, बट देखते ही देखते गीक यहां पर 2 किल्स कंफर्म कर लेगी, एंड इसी के साथ जो हमारी जो टीम है एलडीजीएस जो फिलहाल सिर्फ 2 मेंबर्स के साथ हम लोगों को दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं अब प्लेसमेंट पॉइंट के लिए जाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या यहां पर जो कीक फैम है वो इनको निकलने देगी, ये क्वेश्चन मार्क यहां पर बना रहेगा, क्योंकि उनको पता है 2 मेंबर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 मेंबर्स इतना ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं रखते कि वो 4 प्लेयर्स को हमारे खत्म कर दे, बट अगर ये ऐसे अगर आप देखेंगे जैकी एच पे बहुत ज्यादा कम है, काफी ज्यादा क्लोज वो एक मेंबर के दिखाई दे रहे हैं, इनको फटाफट से अपने आपको हील अप करना पड़ेगा, बट इनके पास हीलिंग नहीं है। यहाँ पर जैक डेफिनेटली एक बेट साबित हो सकते हैं, ये यहाँ पर नॉक एंड कन्फर्म हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जीडीएस के जो मेंबर्स है स्टिल थोड़े से वरीड है, क्योंकि उनको पता है कि अभी प्लेसमेंट पॉइंट के लिए जाना जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये 4th मैच है, लाइक कुछ ही मैचेस और इन लोगों के पास बचे हुए, और ये वाला मैच तो कहीं ना कहीं इनके हाथों से ये जा चुका है, क्योंकि 2 मैन यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट ही निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किल्स फोकस कर सकते हैं, कुछ किल्स निकाल सकते हैं, बट अब इस वाले मैच के लिए डेफिनेटली इनको कुछ एक नई टेक्निक निकालनी पड़ेगी अगर इसको मेंटेन करना है, तो अभी तक की जो स्टैंडिंग्स ये लोग मेंटेन करके चल रहे हैं उसको एकदम फ्लो में रखना है। तो जी हाँ, यहाँ पे इसको अगर फ्लो में रखना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नई टेक्निक निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लाउड हमारे सामने आ चुकी है, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे लाउड के अलावा दोनों के दोनों टीम्स के बारे में, LGDS एंड गीक के बारे में। देखिए दोनों के दोनों बॉटम ऑफ द चार्ट चल रही है अभी राइट नाउ, बट कहीं ना कहीं जो बॉटम पे चल रही थी सबसे ज्यादा पीछे गीक, कहीं ना कहीं अभी लीड लेने की ट्राई करेगी, कहीं ना कहीं पासे पलटने की ट्राई करेगी, एंड वही बात करें तो LGDS इस टाइम पे 2 प्लेयर्स के सर्वाइव कर रही है। बात करते हैं लाउड के बारे में, तो देखिए छतों के ऊपर चढ़ पड़े हैं, काफी ज्यादा स्प्लिट हो चुके हैं प्लेयर, क्योंकि इवोस के प्लेयर बिल्कुल नीचे होने वाले हैं, इवोस का अभी तक परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शेकी रहा है, पिछले कई तीन तो मतलब जितने भी हमारे तीनों के तीनों मैचेस रहे उसमें हमारी 6th, 7th और 8th पोजीशन उन्होंने निकाल ली है रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग बात करेंगे तो इवोस इस टाइम कहीं ना कहीं कमबैक करने का ट्राई करेगी मतलब हमारी रेस के अंदर, बट लाउड की बात करें तो कहीं ना कहीं देखो कितना ज्यादा स्प्लिट नजर आ रहे, कार्नोस कहीं और रेंज, अगर हम बात करें तो विल दूसरी जगह पे नजर आ रहे, एंड फाइनली फाइट्स आउट चुकी जहां पे विल ने काफी ज्यादा डैमेज डील करते, जहां पे बात करें तो कार्नोस का यहां पे स्नाइपर नजर आ गया है हमारे पास की फाइट की तरफ, एंड बात करेंगे नोएडा के बारे में तो उन्होंने भी यहां पे खेलने का स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ी सिचुएशन में आखिरी प्लेयर कहीं ना कहीं उनका सर्वाइव करेगा, एंड बात करेंगे तो वो वहां पर रिवाइव दे देगा दूसरे प्लेयर को। बात करेंगे लाउड की, ये प्लेयर नीचे उतरना चाहेंगे नोएडा, एंड बात करते हैं कि नीचे उतरने के बाद क्या ये फाइट लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि राइट नाउ बहुत अच्छी सिचुएशन में नजर आ चुके हैं यहाँ पे हमारे लाउड, बट डिवोर्स के लिए स्थिति बिगड़ती जा रही है टाइम के साथ धीरे धीरे करके, वहीं हमारे सामने लाउड अपने तीसरी किल की तरफ बढ़ रही है, नेट फेंक दिया गया, क्या ये नेट वर्क करेगा, लेट्स सी, ग्लू वॉल छोड़ी जा रही है, अंदर रशिंग करा जा रहा है, एंड देखते देखते जॉन के नेट ने दोनों के दोनों प्लेयर्स को किल कर दिया, इसे कहते हैं यार एक्सीलेंट नेडिंग। अगर हम बात करें तो यार नेडिंग आज के दिन एकदम अलग ही नजर आ रही है, लास्ट मैच की बात करें तो जो नेट नजर आए थे जिन्होंने एक पूरी पूरी टीम को ऐसे वाइप आउट कर देता वीआईपीस को, यार मजा आ गया था वो नेडिंग का प्ले देख करके भी, एंड जब से ये कुक नेड का नया मेटा आया हमारी गेम के अंदर प्लेयर्स की जो नेडिंग की स्किल है वो दिन ब दिन सुधरती जा रही है, एक्सीलेंट नेड नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पहले से चौंकाने वाले इंसिडेंट नजर आते हैं, बट एलजीडीएस के जो प्लेयर है मतलब जो सेकंड प्लेयर है ईटी है कहीं ना कहीं अकेले होने वाले हैं, ईटे देखने वाली बात है कि अब किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, राइट नाउ अकेले हो चुके हैं, गीक अगर कोई भी गड़बड़ करते हैं कोई भी फुटस्टेप देते हैं तो गीक इनको चुन चुन करके वाइप आउट कर सकता है।
जी बिल्कुल, चुन चुन करके वाइप आउट कर सकता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर पीक के, जो स्लोप हमारा दिखाई देता है पीक के पास में, वहाँ पर हमारी जो दो टीम्स एक दूसरे के सामने आ चुकी है, फिनिक्स फोर्स एंड उसी के सामने हमारी जो एफआर है, खतरनाक तरीके से एक दूसरे के लिए यहाँ पर ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं फिलहाल अगर आप नोटिस करेंगे काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पर आ चुके हैं, ग्रेनेड्स अभी भी स्टिल कुक किए जा रहे हैं। लेकिन एफआर वापस से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, फिर वापस आगे की तरफ आ रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज है, बट उनकी एक प्लेयर काफी ज्यादा आगे की तरफ है, दीकू काफी आगे की हम लोग दिखाई दे रहे हैं, रोने की एबिलिटी उन्होंने यूज करी, बट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। उसी के साथ काफी ज्यादा क्लोज में मेंबर्स आते हुए ड्यूल की एबिलिटी यहाँ पर यूज करी जा रही है, पीछे से यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर के चारों के चारों प्लेयर्स एक ही झटके में आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते फिनिक्स फोर्स के दो प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया जाता है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक लौते दो लौते मेंबर है जो पीछे से डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक सो थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। एफआर के मेंबर काफी ज्यादा हावी होते हैं उन लोगों के ऊपर, लेकिन डाकुल को फिलहाल वहां पे नॉक कर दिया गया है रोम्बो की तरफ से। और वहीं पर अगर आप देखेंगे यहां पर आगे की तरफ वापस बढ़ते हुए स्टिल यहां पर कोशिश बनी भी, और देखते ही देखते एफआर के तीन मेंबर्स को नॉक कर दिया जाएगा, और यहां पर वापस से कमबैक किया जाएगा हमारे फिनिक्स फोर्स की तरफ से, एंड इसको बोलते हैं बहुत ही तगड़ा कमबैक। लेकिन रोम्बो भाई आप यहाँ पर देखेंगे रैम्बो जो यहाँ पर अपनी टीम के लिए कमबैक साबित हुए, कमबैक किंग बेसिकली मैं कह सकता हूँ अपनी टीम के लिए यहाँ पर साबित हुए, तीन किल उन्होंने निकाले भाई साहब, ये दर्शाता है कि कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। अगर आपके दो प्लेयर्स भी जिंदा है तो हम लोग जानते हैं हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम यहाँ पर चार प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं। देखते ही देखते जो एफआर को उन्होंने फिनिश करा है, आई थिंक सो वहां पर कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरी टीम होती तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पर वो कमबैक कर पाते, लेकिन फिनिक्स फोर यहाँ पर अपना गेम मेंटेन करके चल रही है, एंड लेट्स क्या ये वाला बुया भी इनके हक में जाएगा या फिर नहीं, ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आप नोटिस करेंगे बाजी, जो कॉन्फिडेंस लेवल दर्शा रहा है इनका वो खतरनाक साबित हो रहा है दूसरी टीम्स के लिए, क्योंकि इनको पता है तीन बुयास हमारे पास है, पॉइंट्स हमारे पास है बहुत अच्छे, बस हमें प्लेसमेंट पॉइंट के लिए जाना है। लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे हैं, किल्स पे किल्स निकालते जा रहे हैं, और भाई जिस लेवल का एक गेम प्ले हम लोगों को शो अप कर रहे हैं, आई थिंक सो ये टूर्नामेंट यही दर्शाता है कि बॉस ये इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है और वर्ल्ड सीरीज है, इसके अलावा कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला हम लोगों को जहां पर हम लोगों को मौका मिलेगा अपना बेस्ट देने का। यहां पर अपना बेस्ट से भी बेस्ट ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे बड़ा टूर्नामेंट तो और भाई हम जानते हैं, और ऐसे टूर्नामेंट में अगर ऐसा गेम प्ले ना देखने मिले तो फिर उस टूर्नामेंट को शायद हम नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी में बहुत ही खतरनाक यहाँ पर टीम जो फिनिक्स फोर्स हम लोगों को शो अप करती हुई। जी हाँ, अगर हम बात कर दो फिनिक्स फोर्स ने जिस तरीके से वो प्ले दिखाया जहां पे दो प्लेयर्स उनके डाउन पड़े थे, उन दोनों के दोनों प्लेयर्स को किल नहीं होने दिया, एंड बात करेंगे तो पूरी पूरी एफआर की टीम को किल भी कर दिया, उस फाइट को हम लोग नहीं बोल सकते, जो अमेजिंग प्ले नजर आया उस टीम की तरफ से, मजा आ गया। एंड फिनिक्स फोर्स के बारे में एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप फिनिक्स फोर्स का स्टेट देखोगे किसी अदर टीम से जो यहाँ पे खेल रहे हैं पूरे पूरे सर्वर के अंदर, सबसे खराब स्टेट कह सकते हो या सबसे पोअर स्टेट इन्हीं का है, बात करेंगे एवरेज के लिए फिर एवरेज डैमेज के मामले में, बट उसके बावजूद जो आज ये प्ले दिखा रही है वो आउटस्टैंडिंग है। फाइनली नेट प्ले नजर आ रहा है, जहां पर कुक करके नेट मार जा रहा है, वीआईपीस दोबारा से नेट से परेशान हो गए, लास्ट मैच इनका नेट के साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल हुआ था, बट इस बार क्या है नेट दोबारा से इनको डिस्टर्ब करेंगे। जी हां, किल निकाल लिया गया जो इना करें, और बात करेंगे तो जैक्स के ऊपर वो किल निकाला गया, बात करेंगे वीआईपी कहीं ना कहीं पीछे हटना चाहते हैं, शैडो पिछले बार लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे, देखने वाली बात इस बार क्या होने वाला है, शैडो यहां पर डाउन पड़े हुए हैं, जोक एंड यहां पर टारिक दोनों के दोनों यहां पर नजर आ रहे हैं, फाइनली फाइट लेते हैं, और एक और प्लेयर डाउन होते हुए रैम्बो एंड डीलोंग दोनों के दोनों प्लेयर डाउन पड़े हुए हैं, देखने वाली बात है क्या उनको रिवाइव मिलेगा नहीं मिलेगा, बात करेंगे तो वीआईपी कहीं ना कहीं राइट नाउ पूरा पूरा फायदा उठाने चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन जो डाउन पड़े हुए, एंड बात करते करते यहाँ पे जो हमारी फ्लुक्स होने वाली उनकी एंट्री आ चुकी है। फिनिक्स फोर्स की बात करेंगे तो अपने प्लेयर्स को बचाने का ट्राई किया जा रहा होगा, बट क्या ये बचा पाएंगे देखने वाली बात है। तार की बात करेंगे तो ऊपर यहाँ पे फाइनल शॉट पे स्प्रे कर दी गया, ओ माय गॉड, फिनिक्स फोर्स जो प्ले दिखा रही है ये इनक्रेडिबल है, मतलब जिस तरीके से बार बार प्लेयर डाउन और उनको बचाया जा रहा है, यहाँ पर टीम्स को वाइपआउट किया जा रहा है, इनक्रेडिबल। नोब्रू की नेडिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसके लिए सभी के सभी फैन है, एंड फाइनली नोब्रू की नेडिंग ने किल निकालने स्टार्ट कर दिया है, एज की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, कार्लोस आखिरी सर्वाइविंग मेंबर बचेंगे, यहाँ पे देखने वाली बात है कि कार्लोस अपने प्लेयर को बचा पाएंगे, जी हाँ अपना किल कंफर्म करेंगे बट प्लेयर को नहीं बचा पाएंगे, कार्लोस ने ऐसे स्किप करने का ट्राई करेंगे, क्या उनको बच के जाने दिया जाएगा, शुरू उनके सामने होने वाले हैं, एंड फ्लुक्सो की पूरी पूरी टीम दोनों ही टीम्स के ऊपर बैठी हुई है राइट नाउ। जी बिल्कुल, फ्लुक्सो यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश कर रही है, देखते देखते यहाँ पर किक फैंग के भी एक लौते मेंबर है, वहीं हमारे एजीई के भी सिर्फ एक लौते मेंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शायद दोनों ही टीम बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो सकती है, क्या फ्लुक्सो इन दोनों को यहाँ पर फिनिश कर पाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। वहीं पर अगर आप देखेंगे जी हाँ, यहाँ पर नोब्रू ने किल कन्फर्म करी है, इसके साथ किक फैंग वापस लॉबी में जाते हैं, कार्लोस भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे बहुत ही खतरनाक तरीके से, जो थर्ड पार्टी की गई है फ्लुक्सो की तरफ से काफी काबिले तारीफ, पांच किल उन्होंने यहाँ पर बटोर लिए हैं, एंड जो एक गैराज था अब इसके ऊपर इन्होंने झंडा गाड़ दिया,
लेकिन फिलहाल स्टिल यहाँ पर रुकेंगे नहीं, आगे की तरफ बढ़ना पसंद करेंगे। एंड अगर आप देखेंगे पाजी, डीलोंग यहाँ पे एलिमिनेट हो गए आई थिंक सो उनके ऊपर, या तो उनका ओके इनकी गाड़ी आई थिंक यहाँ पर ब्लास्ट हुई थी, आई डोंट नो क्या हुआ जब हम दूसरे फ्रेम में थे, क्या सिचुएशन वहां पर हुई वो बाद में खैर हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे जो फिनिक्स फोर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं एक मेंबर को लाइक किसी भी फाइट ना लेने के बावजूद भी उनका एक प्लेयर यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, शायद उनके ऊपर ड्रॉप वहाँ पे गिरा होगा, बट देखते हैं अब इस चीज को कैसे वो फुलफिल करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी लॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा नजदीक उनकी दिखाई दे रही है एल शेप में, और धीरे धीरे करके आगे की तरफ या फिर मूव तो नहीं करेंगे, बेसिकली जोन के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है भाजी, जो फिनिक्स फोर्स है उनके पास जोन का प्रॉपर फायदा यहाँ पर आने वाला है, बीटीएस भी यहाँ पर फायदा उठा सकती है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है क्लॉक टावर पीक भीमा शक्ति पोचिनो फैक्ट्री के बिल्कुल सेंटर में ही जोन आ सकता है। तो देखते हैं किस हिसाब से इस चीज को टैकल करेंगे या फिर किस हिसाब से एक प्लस पॉइंट में वो लोग तकदील करेंगे इस चीज को। लेकिन वहीं बार अगर आप यहां पर देखेंगे हमारी फ्लक्सो भी धीरे धीरे करके आगे की तरफ आती जा रही है, वहीं हमारी कुछ टीम से जो अभी जोन के बाहर है जल्दी से जोन के अंदर आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि गेट कीप डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है। आज अगर आप देखेंगे भाजी लॉर्ड कहीं ना कहीं लाइक मोस्टली देखी जाती है ये बिल्कुल जोन टू जोन चलती है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बरमुडा में अगर हम देखें आगे की तरफ हम लोगों को दिखाई दे रही है ऑलरेडी जोन के अंदर बैठी हुई है साइलेंस, लाइक जैसा कि इनका नाम है, बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि कब ये लोग लाइक जोन के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद किल्स बटोरना कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लाइक इनके पास किल्स भी जा रही है, प्लेसमेंट पॉइंट भी जा रही है, इसी के दम पे हम लोग बोल सकते हैं ये सेकंड पोजीशन पे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट 44 पॉइंट से 3 मैचेस में। बट कहीं ना कहीं लाइक जिस हिसाब से नाम में बस देखते देखते कहीं ये हमारे जो टीम फिनिक्स फोर्स है उनसे ऊपर ना लिकन जाए, क्योंकि बिल्कुल लाइक दूसरी टीम्स के फेस में आई नहीं रही, स्क्रीन पे ये लोग आई नहीं रहे, बिल्कुल धीरे धीरे आते हैं, किल्स निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं और बस निकल जाते हैं साइड से। लेकिन अभी के लिए फिलहाल सभी का जो यहाँ पर जो निगाहें हैं वो सिर्फ एक ही टीम के ऊपर बननी रहने वाली है, क्योंकि जो हमारी फिनिक्स फोर्स है 3 बुयाज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी भी इस गेम में 8 किल ये लोग निकाल चुके हैं, प्लेसमेंट पॉइंट डेफिनेटली निकालने की कोशिश करेंगे, बट लेट्स सी कितना ये लोग और पंप अप लाते हैं और कितने पॉइंट्स के साथ ये आज ये टूर्नामेंट को फिनिश करेंगे, क्या इनको कोई दूसरी टीम बीट कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन अभी के लिए साइलेंस वर्सेस लॉर्ड प्रॉब्ली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा नजदीक एक दूसरे के सामने। जी हाँ, एक दूसरे के काफी ज्यादा सामने आ चुके हैं। साइलेंस की बात करो तो फाइनली वो लोग निकल के आ चुके हैं लाउड के सामने, लाउड ने रीडिंग करनी स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस मैच के अंदर देखा था लाउड ने गलती करी थी, यहाँ वो गलती कहीं रिपीट ना हो जाए, ओवर एक्सटेंड करने का ट्राई करा था, बट इस बार लाउड कहीं ना कहीं उस गलती को सुधारेगी, ओवर एक्सटेंड नहीं करेगी, कहीं ना कहीं एल शेप के ऊपर आएंगे। एंड राइट नाउ साइलेंस, जिसको हम लोग बात करें कि साइलेंटली सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं लाउड यार देखिए कितना अपोज नेम है, एक तरफ साइलेंट है और एक दूसरे साइड लाउड है, एंड बिल्कुल दोनों के दोनों साइलेंस एंड लाउड कहीं ना कहीं एक दूसरे का अपोज होने वाले हैं, नेम में काफी ज्यादा एकदम कह सकते हैं कि एक तरीके से विपरीत नजर आ रहे हैं, बट इस टाइम पे क्या स्थितियां इनके लिए विपरीत बनती है नहीं बनती, क्या इनके लिए सकारात्मक स्थितियां बनती है नहीं बनती, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यहां पे लेट्स सी क्या होने वाला है। बट यार अगर हम बात करें तो यूएवी सकुनी मामा जैसे ही हमारे यहाँ पे उनको यहाँ पे किल कर दिया, मतलब उनको यहाँ पे मतलब हटा दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया, एलिमिनेट कर देगा यूएवी कोई। एंड राइट नाउ कहीं ना कहीं साइलेंस यहाँ से पीक निकालना चाहती है, डबल मतलब जो हमारे एल शेप है उसके ऊपर, एंड दोनों के दोनों की सिचुएशन बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं दोनों के दोनों कहीं ना कहीं पीक निकालना चाहते हैं कि एक दो प्लेयर डाउन करें उसके बाद रश करें। नॉइड की सिचुएशन कहीं ना कहीं लाउड को फेवर कर सकते हैं, जिस तरीके से जहां वो बने हुए साइलेंस के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मुसीबतें दे सकते हैं, बट ओवर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, और जी हाँ साइलेंस ने वो ओवर एक्सटेंड करने का ट्राई करा, कहीं ना कहीं आगे बढ़े एंड रिस्क लिया। एंड राइट नाउ यहाँ पे लाउड की मतलब हमारा कुक करेगी नेड, एंड नेड वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर क्यूआर लगी थी, बट यहाँ पे एक प्लेयर को दोबारा से डाउन कर जगह जहां पर उनका किल निकाला जाए। बट साइलेंस के जो आखिरी प्लेयर होने वाले हैं सी, कहीं ना कहीं किस किस को देखने वाले हैं, सी डो यहां पर उनका नेम होने वाला है, डो अगर हम बात करें तो डीडी नेम है या फिर डो नेम है, एंड कहीं ना कहीं वो पीछे हटेंगे राइट नाउ साइलेंटली पीछे हटेंगे, उनको पता है कि यार यहां पर के लिए बचना नामुमकिन होने वाला है, फाइट लेना नामुमकिन होने वाला है, तो इसलिए प्लेसमेंट की तरफ जाओ, कम से कम एक दो स्टैंडिंग ऊपर लेके आगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, एंड डीडी उनका नेम होने वाला है, तो लेट्स सी अब डीडी किस तरीके से प्ले करने वाले हैं। बट बॉस द स्काई के जो प्लेयर होने वाले हैं वो भी स्नाइपर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी पोजीशन अभी तक किसी को नहीं पता, जोन आएगा वो भी फाइनली अंदर आएंगे, बट लेट्स सी क्या होने वाला है।
जी बिल्कुल, देखने वाली बात है क्या यहाँ पर होने वाला है। एंड देखते ही देखते हैं यहाँ पर हमारे जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं एक लौते मेंबर के साथ यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ लॉर्ड भी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी टीम, पीछे से जोन आ रहा है, पीटीएस भी ऊपर की तरफ से दिखाई दे रही है आगे की तरफ बढ़ती हुई, फ्लुक्सों के साथ प्रॉपर्ली यहाँ पर हमारी फाइट देखने को मिल सकती है दोनों टीम्स के बीच में। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारी फिनिक्स फोर्स यहाँ पर फाइट लेते हुए दिखाई दे रही है, एलजीडीएस को यहाँ पर पकड़ लिया गया है, गेट कीप किया जा रहा है, रोनो यहाँ पर एक लौते मेंबर अपनी टीम के लिए सर्वाइव करते हुए, लेकिन आई थिंक सो वहाँ पर बच के निकलना इम्पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है साबित उनके लिए। और यहाँ पर फिलहाल देखें तो जी हाँ वो है वहां पे एलिमिनेट होना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखते ही देखते हमारे जो LGDS वो फिलहाल यहाँ पर हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे जैसे कि मैं बात ही कर रहा था BTS वर्सेस यहाँ पर हमारे फ्लुक्सो एक दूसरे के आमने सामने। तो देखते हैं ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं। फिलहाल ये लोग अगर आप देखेंगे BTS ने ऑलरेडी एक मेंबर को गवा दिया है, फ्लुक्सो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है, ग्रेनेड यहाँ पर किए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फायदा ये उठाया जा रहा है कि यहाँ पर ओके 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 व्यू को यहाँ पर एक ग्रेनेड आएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर किल कंफर्म कर लेंगे। और भाई अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वापस से ग्रेनेड आगे की तरफ डाले जा रहे हैं, नोब्रू को यहाँ पे डैमेज मिल चुका है, नीचे से हमारे फिनिक्स को थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है और जी यहाँ पर किल भी कंफर्म करेंगे डीक्रूज। और यहाँ पर बैक टू बैक जो हमारी फोर्स है वो खतरनाक गेम प्ले हम लोगों को शो अप करती हुई, अभी अगर आप देखेंगे 15 मिनट या फिर हम लोग बोल सकते हैं 16 मिनट हो चुके हैं, नोब्रू यहाँ पर एलिमिनेट हो गए अपनी टीम से। लास्ट में अगर बात करें हमारी जो फ्लुक्स है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गेम प्ले यहाँ पर शो अप हो रहा है बैक टू बैक हमारी स्पोर्ट्स की तरफ से वो काफी लाजवाब है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे लॉर्ड यहाँ पर हमारी टीम लाइक फाइट लेती हुई दिखाई दे रही है, साइलेंस है और आई थिंक सो जो एक लौते मेंबर है उनको यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है, पीटीएस ओके यहाँ पर बीटीएस भी दिखाई दे रही है, उनको डैमेज देने की कोशिश करेंगे बट कहीं ना कहीं साइलेंस यहाँ पर एलिमिनेट होना पसंद करेंगे। जो लास्ट मेंबर थे डीडी वो किल नहीं देना चाहते हैं, हमारी एच क्यू यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है, फोर मैन स्क्वाड यहाँ पर है विदाउट एनी किल, लाइक अगर आप नोटिस करेंगे प्लेसमेंट के लिए फिलहाल ये लोग फोकस कर रहे थे। और इसी के साथ अब यहाँ पर देखेंगे चार टीम 12 प्लेयर, क्या लगता है और जी फिनिक्स फोर्स वापस से कमबैक करेगी? जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ फिनिक्स फोर्स के बारे में और अच्छे से बात करूंगा इस गेम के बाद, क्योंकि अभी राइट नाउ जो फाइट चली जिसके अंदर लाउड एंड यहाँ पे 8 किल के साथ नजर आ रही है, जहां पर बस दिस काल के आखिरी प्लेयर कहीं ना कहीं सर्वाइव करने का ट्राई करना है, एचकू को जोन मिल चुका है पूरी पूरी तरीके से, यहाँ पे स्लोप के साथ नीचे आना पड़ेगा जहां पे एचकू को पूरा फायदा मिल सकता है, एक तरीके से वो इजिली नीचे आने वाली टीम्स को किल कर सकते हैं। बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेड आए उनको बहुत अच्छे से डिनाई कर दिया गया, कहीं ना कहीं क्रोनो की शील्ड लगा कर गया। अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या फिनिक्स फोर्स यहाँ पे कमबैक करेगी तो यहाँ लग रहा है कि कमबैक कर सकते हैं, बट पीछे से आकर के क्लियर को डाउन कर दिया जाएगा, जहां पर अगर हम बात करें द डार्क क्रूज के ऊपर किल कंफर्म करने का ट्राई किया जाएगा, जहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो एन ने यहाँ पर अपनी स्नाइपर का प्ले दिखाना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर स्नाइपर कनेक्ट भी हो रही है एंड देखते देखते लाउड की विल को भी यहाँ पर डाउन कर देगा, अगले प्लेयर को डाउन कर जाएगा, जी अपने प्लेयर को बचाने का ट्राई करा जाएगा। सामने अगर हम बात करें तो लाउड के आखिरी प्लेयर होने वाले, प्लेयर को बचा करके किल भी कंफर्म करा जाएगा, थर्ड पार्टी हो चुकी है किल की, नियो नियो ने वो किल उठा लिया, रेमबो को एक किल मिलेगा, 13 किल हो चुके हैं, यहाँ पर लाउड को एलिमिनेट कर देगा, एच को आराम से नीचे बैठ सकते हैं, अब यहाँ पे आराम से बैठ करके किल उठा सकते हैं क्योंकि पूरे पूरे जोन के अंदर होने वाले, यहाँ पे फिनिक्स का बचना ना मुमकिन होने वाले, वही हुआ यहाँ पर अगर हम बात करें तो एच को ने 2 किल के साथ बुरा निकाला है, एंड अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाया अपनी साइड से, एंड फाइनली कहीं ना कहीं हैप्पी होंगे अपने इस परफॉर्मेंस के साथ, बट किल नहीं मिल पाए, बट 12 पॉइंट एंड 2 पॉइंट किल के 14 पॉइंट इस बार अपनी टीम के खाते में लेके जाएंगे, 5th पोजीशन पर अभी तक चल रहे थे 22 पॉइंट के साथ, कहीं ना कहीं अपनी स्टैंडिंग के ऊपर थोड़ा और ऊपर आएंगे, एंड फाइनली देखिए थम्स अप दिखा रहे हैं एंड हैप्पी है इस टाइम पे, फाइनली भुया मारा पेशेंस प्ले दिखाया एंड राइट नाउ बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने प्ले दिखाया एचकू ने, कहते हैं कि इसको को कमबैक किंग्स कहते हैं, जिस तरीके से कमबैक करते हैं आने वाले मैचेस के अंदर, इनिशियल मैचेस इनके कुछ खास नहीं जाते, बट इन्होंने जो सेकंड और थर्ड मैच से जो कमबैक दिखाना स्टार्ट किया, फोर्थ पोजीशन में अपना गेम ओवर किया, खत्म किया एंड इस टाइम पे भूया, तो इस बार मुझे लग रहा है कि एचक्यू कहीं ना कहीं अपनी जो जगह थी जो कल के दिन जो वो आए थे जिस तरीके से उन्होंने वापसी करी थी वो इस बार दोबारा से कर सकती है यहाँ पे।
हाइलाइट्स